गॉड, मेरे ऊपर जिन कुछ मेरी बॉडी को जो है बंद करके रखे हुए, इसलिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को मानना है उनके गॉड को। कोई जिन मज़हब के उनका मज़हब है, मैं नहीं मानता, बोला उनको मैं। तो मेरे को बस आपको ये बताना है कि वो लोग क्या करे हुए हैं। पहले तो मेरे कान जो है अंदर से, कान के अंदर से जो है पर्दा लगाए हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और मेरे को आँख पे पर्दे लगा दिए जिससे मेरे को दिखाई नहीं दे। और कान पे जो पर्दे लगाए, अंदर हवा नहीं जा रही मेरे अंदर, कान के अंदर जो लगाए होल के पास, तो उससे मेरे को सुकून ही नहीं मिल रहा। और आँखों में जो पर्दे लगाए, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा बराबर। और जैसा मेरे को सुकून मिलेगा, तो मेरे जितने भी जिन हैं वो लोग को भी सुकून मिलेगा। और वो लोग होश में आएंगे जो आने नहीं दे रहे हैं जिनों को मेरे होश में, और सुकून में नहीं आने दे रहे हैं, मतलब सुकून नहीं दे रहे हो, सुकून आने नहीं दे रहे हो उन लोग को। और कुछ वायर किस्म का कान पे लगा के रखे हुए हैं दोनों तरफ, जिससे एक तरीके से कान खींचते, ये हिस्सा खींचते कान का पूरा, जैसा मैं जीतता हूँ ये जिस्म का जो इतना हिस्सा है ये खींचते। तुम गॉड को मानते नहीं मानते? मैं अपने गॉड को मानता हूँ, और कभी कभी मैं, क्योंकि मैं मर जाता हूँ ऑलरेडी, मेरे को जिन अलग मजहब के मार देते मेरे को, तो ख्वाब से मैं ख्वाब में रहता हूँ। जब मन से बात नहीं करता हूँ मैं, ख्वाब से बात करता हूँ जिंदा रहते हुए। तो जब पूछते तुम गॉड को मानते नहीं मानते, तो मेरे को कोई जिन मजबूर करता है या किसी वजह से, मैं एकदम रिप्लाई करता हूँ नहीं मानता हूँ मैं बोल के एकदम। हालांकि मेरे को होश नहीं रहता, लेकिन ख्वाब में कौन पूछ रहा, क्या पूछ रहा, हैरत है गॉड। ये लोग को इंसान के बारे में मालूम ही नहीं है, मतलब जो मन से इंसान है, इंसान कैसे रहता वो तो मालूम होना चाहिए ना। कोई भी मजहब जो जिनके, मतलब जिनके जो मजहब रहते उनके, जिनों के गॉड को तो मालूम रहना चाहिए। और क्या क्या करे हुए नहीं मालूम मेरे को, नाक भी बंद रखे हुए हैं, सांस नहीं लेने दे रहे मेरे को बराबर, महसूस नहीं हो रहा मेरे को, नाक बंद करे हुए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस समय मेरे को, जिस समय खाना खा रहा हूँ तो मेरे को ताकत बढ़ती, तो मेरे को महसूस नहीं करने दे रहे कि तुम्हारी ताकत बढ़ रही जैसा खाना खाते, या मैं यकीन करते कि साथ ही ताकत बढ़ती, वो ताकत बढ़ रही तो यकीन नहीं करने दे रही मेरे को। जब उनके गॉड को मान रहे या कुछ कर रही, तो जब ताकत बढ़ी बोल के बता मेरे को महसूस करा रही। हालांकि मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करा, तबाह नहीं करा आज तक किसी की जिंदगी, क्या रीजन है नहीं मालूम मेरे को। कोई उनके साथ गेम खेले, जिनों के साथ मेरे अंदर जिन रख के कुछ आवाज निकाले या कुछ करे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो गई। मेरे जिस्म के अंदर एनिमे बैठे हुए हो लोग, अगर मेरे फैमिली के हैं जिनके एनिमे जो है, तो वो लोग मेरे खिलाफ क्यों होंगे? मेरे खिलाफ नहीं हो सकते कभी भी, क्या रीजन है नहीं मालूम मेरे को। मेरे को समझने भी नहीं दे रहे ताकि वो लोग को मालूम पड़ सके कि मैं क्या समझ रहा हूँ। जैसा मैं कुछ समझ के उनको बोलना चाह रहा हूँ, तो अंदर कुछ जिन है जो खींच ले रहा, उनको मालूम नहीं होने दे रहा। जैसा मैं समझ रहा हूँ तो वो हिस्सा खींच ले रहा हो, जिससे मैं समझते उनको मालूम पड़ेगा। तो उनको, मैं कुछ समझ रहा हूँ तो उनको नहीं मालूम पड़ने दे रहा कुछ जिन। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा। दूसरों को, जिनों को उल्लू बनाए हुए हैं दुनिया में, डॉक्टर का इलाज चल रहा है इसका, इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। जिनों की दुनिया से आंख निकाल दिए मेरे, क्या
क्या बोलते हो, रियल में आना है, अब आंखा निकाल देना है इसको, इन्हें कैसा यकीन नहीं करता हमारे गॉड पे, देखेंगे इसको यकीन आना है गॉड पे। मैं तो यकीन करता हूँ, इसलिए तो सच बताया मैं, क्योंकि चमकी इसलिए आती, चमक इसलिए आती हाथों पैरों पे, बॉडी पे, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ, मेरा खून भी चमकता है इसलिए कि मैं यकीन करता हूँ। मेरे स्पर्म्स भी शाइन करते, मैं यकीन करता हूँ। मैं तो यकीन चुरा के लेके चले गए, अगर मेरे पास से जिन रख दिए, अपने गुनाह या केसेस दे दिए, मेरे को तकलीफ दिए, और आने नहीं दिए गॉड की दुनिया में, मतलब जिनों को नहीं देखने दिए, यकीन बढ़ने नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं? ऐसा तो नहीं चलती ना गॉड दुनिया, जबरदस्ती के मेरे जिस्म में बगैर पूछे कोई जिन अलग मजहब के, और काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती के। जबरदस्ती के क्यों मानूं उनके गॉड को? मैं नहीं मानता उनके गॉड को, मेरा ईमान अलग है, मेरा यकीन अलग है, मैं सच्चा हूं, मेरा खून चमकता इसलिए, मेरे पूरी बॉडी चमकती, हर चीज़ है जिन, वो भी छूट है तो वो भी बता दिया। मुंह में से जब पानी अगर टपका तो पहले जिन दिखना चाहिए, पानी के साथ जब निकलता तो जिन दिखना चाहिए, जब कुछ भी चीज़ दिखाई देती रियलिटी में तो उसकी जिन दिखना चाहिए पहले, या जिन दिखना उसके साथ एकदम, जिन बाद में दिखता जब वो एकदम रुकता, रुके बाद जब एक साथ जब जुड़ के निकलते रहता पानी, तो जब ही दिखना चाहिए, जुड़ के निकलता मतलब एक साथ निकलता, वैसा बोल रहा हूं मैं। तो आप ही बताइए, हर चीज जिन नहीं है, क्योंकि दिखते के साथ ही जिन होना चाहिए, और जितने भी गॉड हैं जिनके, वो लोग मानते कि हर चीज जिन है, हर किस्म से हरा दिया, हर किस्म से, हर जगह से हराया, अब और क्या हराऊं मैं, अब शैतान बन गए जिनके गॉड। तो अब मैं शैतान बोला तो मेरे को मार दे रहे हैं वो लोग जिन की दुनिया से, और पूरा खून टपक रहा सर से मेरे, जिस सर से, वो भी सालों से टपक रहा है सर से खून, मैं महसूस करता हूँ, तकलीफ होती मेरे को, फिर ख्वाब में, ख्वाब से बात करता हूँ मैं सर से, जो मन से बात करता हूँ वो ख्वाब से बात करता हूँ मैं, जब मर गया तो मैं जिंदा, जिंदा रहते हुए मार देते मेरे को, कितने तो भी मारे अभी तक, सोचो आप मेरे को, अभी तक आप बता सकते मेरे को अभी तक कितने बार मारे जिंदा रहते हुए? कोई अभी तक समझा नहीं मेरे को, जो समझा उन्हें मार देता मेरे को जबरदस्ती के। पहले जिन रखता, रख के बोलता हम, हमको जीतना है, हमारा गॉड नहीं मरेगा हार्ट अटैक आके, तो अगर हमारे गॉड को बचाना है तो इसको मार दो, झूठा बता के, केस करके, गुनाह दे के, मान के इसको, सालों से ऐसे करते हुए आ रहे, यकीन क्यों चुरा रहे हैं? यकीन चुरा के अपने लोगों का, लोगों के गुनाह माफ कर रहे हैं, खाना पीना खर्चा सब चला रहे हैं वो लोग का, मेरे जिन चुरा के लेके जा रहे, मेरे को देखने तक नहीं दे रहे, हिटलर से भी बदतर हो गए ये लोग गॉड, पूरा हिटलर का इल्म इस्तेमाल कर लिए मेरे को हराने के लिए। मैं नहीं हारता, मैं कोई गुनाह करूंगा तो हारूंगा ना, कोई गलती करूंगा तो हारूंगा, मैं गलती गुनाह नहीं करा मैं, अब मैं कुछ समझूंगा जिससे जिनको मालूम पड़े कि मैं सच हूं, तो क्या समझूं मैं, अब मैं कुछ ना कुछ अच्छा समझूंगा तो ही जिन मानेगा कि मैं अच्छा हूं, तो कितने बार समझूं मैं अच्छा हूं बोल के, या किसी गॉड के बारे में समझूं कि अच्छे हैं बोल के, इसलिए मैं बोला समझने पे दुनिया है,
दुनिया सोच पे नहीं है, समझने पे है दुनिया। मैं छू पहले बताने वाला कि दुनिया समझने पे है। अब देखिए मेरे सर में अभी तकलीफ कितनी है, मैं कुछ भी चीज़ अभी बताया दुनिया को जो मालूम हुई तो ना दावा कर लेते पुराने, जो एक ही टाइम को मानते, पुराना फ्यूचर या अभी करंट टाइम एक ही टाइम को मानते, उन्होंने पुराने ज़माने में जो यही टाइम में दावा कर लेते हम बताए, फिर सबको बताते हम बताते हुए आ रहे हैं पुराने ज़माने से जो मैं बताया, तो ऐसा तो नहीं चलता ना गॉड। कुछ भी चीज़ सच के साथ रहो आप। आप बताइए मेरी एक भी गलती बताइए, आप मेरी कोई भी एक गलती बताइए, आप कोई भी एक गुनाह बताइए मेरा बचपने से, एक गलती नहीं करा, एक गुनाह नहीं करा मैं आज तक। इतने जुल्म फिर गॉड को क्यों मानूं मैं किसी भी, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, किसी गॉड का दुश्मन नहीं हूं, किसी जिन का दुश्मन नहीं हूं मैं, जबरदस्ती के क्यों मानूं मैं किसी गॉड को। जबरदस्ती के मेरे जिस्म में आके बैठ गए, कभी बोलते हमारे गॉड को मानो, माने जब तक नहीं जाएंगे, दुश्मनी नहीं माने तो जिन चढ़ा देते, चढ़ा के खुद ही के गॉड को गॉड के खिलाफ लेके चले आते। क्या बोलते उनका गॉड जिंदा रहना, अगर मैं खिलाफ जाऊंगा तो मैं हारूंगा, उनका गॉड सच्चा हो जाएगा दुनिया में, और पूरे जिनों को मालूम पड़ेगा कि उनके गॉड सच है और मैं झूठ हूँ, ऐसा कैसे चलता। अगर इनको मालूम है कि दुनिया क्या है, जिनों से है हर चीज़ है, जिन मतलब एक भी जिन अगर खिलाफ हो गया तो पूरे खिलाफ हो जाते, कुछ नहीं कर सकते कोई भी, अगर दुनिया यही छे तो मैं अभी का अभी कितने की जिन निकाल देता हूँ, हजारों लाखों करोड़ों, मेरे गॉड को भी बोलता हूँ करोड़ों जिनों निकाल दो, अरबों बिलियन में जिन निकाल दो बोलता हूँ, क्या कर लेते फिर। मेरे अंदर अच्छा ही है, मैं अच्छा हूं इसलिए अभी तक कुछ भी नहीं करा मैं, जब ये लोग खिलाफ गए, ये लोग करे मेरे साथ तो उसका जवाब दिया मैं ऑलरेडी। क्या आप कभी देखे जिनों के गॉड शैतान बनते हुए जीतने के लिए, मैं देखा। अब मैं नहीं मानना चाह रहा हूं उन लोग को, तो जबरदस्ती के मेरे को मानो बोलेंगे ताकि शैतान नहीं बनना। अब उनके बारे में खाली मैं याद करता हूँ कि वो लोग शैतान कैसा बने थे, तो मेरे को हराने के लिए जिन चढ़ा दे रहे, जिन रख दे रहे सर में, बॉडी में, सर को खींच रहे, बॉडी मैकेनिज्म सिक्के आए हुए हैं, क्या बोलते हो उन्होंने शैतान नहीं है बतान साबित करने के लिए। मैं जो देखा जाना सुना उसको खाली याद कर रहा हूं मैं, क्या करूं मैं, बोलिए बाप क्या करूं मैं। कुछ भी मन से अगर मैं बात करूं या बोलूं मन से, मतलब मन से अगर मैं देखूं किसी चीज को या सुनूं मन से, तो लोग बोल रहे मन में याद रह जा रहा इसको, याद रहता मन से अगर देखेंगा तो, मन से अगर देखेंगा तो, मन से कुछ सुनेगा तो इसको याद हो जाएगा, फिर हमारे को तकलीफ होंगी रियलिटी में यह साबित करने के लिए कि मन इनेज था, जो भी जीता या किसी से साबित कुछ साबित करा, कुछ भी बताया, इनकी असलियत दुनिया में कुछ और ही साबित करे हुए है, जानते हैं ना कुछ और। तो मैं खाली एक ही सवाल करा थोड़ी देर पहले, मेरे जिन के जो फैमिली थे उनको बोला मैं कि खाली उनसे जो असली दुनिया में असलियत में है उनसे पूछो कि क्या तुलना करे अभी तक दुश्मनों से, मैं क्या करा, मैं सच बता बता के अभी तक जिंदा हूं या नहीं हूं, मैं जैसा फुजिटिव भागता सच है बोल के भागता, वैसे सच बता बता के अभी तक जिंदा हूं या नहीं हूं, या अभी तक मैं मर गया था, या तुम जिंदा रखे मेरे को, बताओ सच। अगर असलियत में तुम सच है बोल रहे, तुम्हारी असलियत सच है जो पूरे गौड़ा मानते या जिन मानते, तो बताओ असलियत क्या है, क्या तुम असलियत में भी झूठ साबित करेंगे सच होने के लिए, इतने गंदे और बुरे हैं तुम। फिर जब तुम गंदे और बुरे और झूठ है तो कैसा मानूं मैं तुम्हारे गॉड को जो झूठ है,
मैं सच्चा हूं, सच के साथ हूं, मेरा कोड है सच, सच है मेरा कोड। जब भी सच रहूंगा तुम मेरे साथ हो जाएंगे, अगर सच नहीं रहूंगा तो तुम मेरे साथ नहीं रहेंगे। ये कैसी बात हो गई? मैं इंसान की जिंदगी जी रहा हूं और मैं सच भी रहता हूँ, झूठ भी रहता हूँ। झूठ यानी चुप चुप का झूठ। अब मेरे जो मोहब्बत करने वाले, सच रहूंगा तो साथ रहेंगे, झूठ रहूंगा तो नहीं रहेंगे। अब झूठ यानी जिंदगी गुजारना है, लाइफ गुजारने का है, तो चुप चुप का झूठ बोलना पड़ता जिंदगी गुजारने में। बताइए आप मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, बताइए अब आप। कभी कभी पलंग पे लेटा हुआ रहता हूं तो तकिए पे कुछ पर्दा लगा देते, पलंग पे कुछ पर्दा लगा देते, जिससे मेरे को बॉडी पे पूरी तकलीफ होती, जलन होती, बॉडी पे, सर पे जलन, बॉडी पे जलन। कितने सालों से लगाए हुए हैं ऐसा आपको मालूम है? जल के एक तरीके से आग पे लेटे हुए वैसा दिखता मेरे को, रियल में जलता मेरे को, रियल में खामोशी से मैं उसी जगह पे लेटा हुआ रहता हूँ। कितने बार मुड़ू, मुड़ा भी तो किसको बोलूँ मैं? कोई मदद करने वाला नहीं, खाली आपको याद करता हूँ, आपको पुकारता हूँ। कितने बार मार दिए मेरे को? दो बार हमेशा के लिए मार दिए, और कितने बार हमेशा के लिए मारे होंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जीना या थोड़े दूसरी गौड़ा बोलते गेम कौन खेलने वाला है अब, अहमद का इस्तेमाल करके। बताइए आप गॉड, बताइए आप। मैं जब ये लोग को नहीं मानता तो क्यों मेरे साथ गेम खेल रहे हैं? जब गेम खेल रहे हैं तो क्यों मेरे को तकलीफ दे रहे हैं? गेम खेलने वाला तकलीफ तो नहीं देता जिससे गेम खेल रहा, उन्हें देता क्या? बताइए अब, आजमा के आप खुद ही देख लिए। पॉजिटिव का मतलब ही यही है, भागना, भाग के जिंदा रहना। और भाग भाग के जिंदा हूं मैं आज, सच बता बता के रियलिटी में आता हूं, जिंदा होता हूं, सच बताते जिंदा होता हूं कुदरत तरीके से। जब ये लोग सच से हार जाते, क्योंकि मेरे को मर्डर कर देते ये लोग, खून टपकता पूरा सर से, तो ख्वाब से बात करता हूँ जिंदा रहते हुए, फिर सच बता के फिर वापस जिंदा होता हूँ, रियलिटी में आता हूँ, मन से बात करता हूँ। फिर मेरी मदद करिए आप, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी मदद का। जल्द से जल्द मेरे को जिन की दुनिया, गॉड की दुनिया से मदद करिए। मैं इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिन की दुनिया और गॉड की दुनिया से बोल रहा हूँ, ताकि आपको मालूम पड़े सच क्या है, और आप मेरी मदद करें। साबित करते रहिए, साबित करते रह के जीतिए आप। जिना भी ऐसी है, दूसरे जिनों की गॉड भी ऐसी है जो साबित कर करके जिंदा है। अगर साबित नहीं करे तो कोई भी कुछ साबित करेगा, मान के मार देगा उन्हें आके। हालांकि मैं तो किसी के पास जा रहा हूँ नहीं, कोई मेरे पास आया तो ही साबित करना है आपको, ज़बरदस्ती के उसके पास जाके साबित नहीं करना है। उन्हें जीना, जीना भेज रहा मेरे अंदर, जो मेरे अंदर जो जीना भेज रहा उसको साबित करना है, उसके पास जाके साबित नहीं करना है। जो मेरे अंदर जिना मेरे अंदर भेजा हुआ है साबित, खाली उनको करना है। मेरे जिस्म के अंदर जो जिन भेजा हुआ है उसको साबित करना है, सच जाके उसको उसके मालिक के पास साबित नहीं करना है, उसके गॉड के पास जाके साबित नहीं करने का है। जैसा मेरे जिस्म में साबित करेंगे सच, सच पे सच, जिना हारते जाएंगे, फिर नहीं आएंगे कभी भी। क्योंकि मैं कभी गलती नहीं करता, कभी गुनाह नहीं करता, कोई गलती गुनाह नहीं करा मैं आज तक, किसी का बुरा नहीं चाहा मैं आज तक। एक जुल्म की हद रहती है, एक हर किस्म का जुल्म करे मेरे ऊपर, जहन में क्या आ गया, कौन आखिर क्या तो भी समझा दिए, जिसके वजह से आजमा के देखेंगे, चैलेंज लगा लिए, नहीं मालूम क्या जुल्म पे जुल्म करते गए। कभी किसी बच्चे का, छोटे बच्चे से बड़े तक एहसास करना तकलीफ क्या होती, एक बार अगर एहसास कर लिए तकलीफ क्या है तो मालूम पड़ता सच क्या है। अब कोई जिन चढ़ा के, जिन बिठा दे के गुनाह कराया या गलती कराया, तो मेरी तो गलती गुनाह नहीं होती।
जो सच था मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं सच। ख्याल क्या है, ख्वाब क्या है, याद क्या है, सोच क्या है, समझ क्या है, तसव्वुर क्या है, तसव्वुर यानी ख्याल। तो ये मालूम रहना सबको, जिनों को नहीं मालूम है तो तुम्हारे गॉड बताना, तुम्हार को भी, तुम्हारे गॉड को भी नहीं मालूम, तुम्हार को भी नहीं मालूम, तुम एक ही हर चीज को समझ ही समझ रहे हैं। तो ये झूठ रहता है, ये समझ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं मतलब समझना समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं हर एक को, बात के साथ उसकी जो फीलिंग है वो भी समझना, उन्हें ख्वाब दिख रहा है, याद कर रहा है, सोच रहा, ख्याल कर रहा। इंसान को पहचानना सही तरीके से, उसके बाद ये देख, उससे पहले ये देखना कि उन्हें इंसान क्यों ऐसा समझ रहा, सोच रहा, क्यों ख्याल करा, क्यों ख्वाब देखा। कहीं तुम्हारे मजहब के जिन तो नहीं है जो इसको खिलाफ लेके जा रहे हैं, तुम्हारे गॉड के खिलाफ? क्या है आखिर ये माजरा? तुम्हारी इबादत करेंगे तो ही तुम समझेंगे, तुम्हारे गॉड की इबादत करेंगे तो ही समझ सकेंगे तुम, क्या तुम्हारे गॉड के पास जाके मानेंगे तो तुम अलग ही साबित कर देंगे, या तुम्हारे जिन जो मेरे दुश्मन है उन्हें कुछ और ही साबित कर देंगे कि मैं गंदा हूं, झूठा हूं? तुम उनकी बात मान लेंगे, उन्हें उड़ के बताए या कुछ भी करे तो? ऐसी तो जिंदगी नहीं चलती, दुनिया ऐसी नहीं चलती। मेरे को इंसाफ चाहिए गॉड, आप इंसाफ करिए, जल्द से जल्द इंसाफ करिए गॉड आप।